हम आप लोगों को बताएंगे कि किस क्लास में क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले दिनांक 29/7/2020 और क्लास है 11th, सब्जेक्ट है बायोलॉजी और टॉपिक है संग प्लेटी हेलमिंथस। प्लेटी हेलमिंथस इंग्लिश में कहते हैं, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्लेटी प्लस हेलमिंथस। और प्लेटी का अर्थ होता है फ्लैट टू चपटे, हेलमिंथस का अर्थ होता है टू सकर्स चूसक, अर्थात इसके अंतर्गत ऐसे प्राणी आते हैं जो चपटे होते हैं और इनमें चूसक पाए जाते हैं या कंटक भी कहते हैं इन्हें, जो परजीवियों या पोषक से के शरीर से चिपकने के काम आते हैं। तो ये इसके अंतर्गत, और दूसरी बात ये है इनका शारीरिक संगठन जो होता है वो अंगीय स्तर का होता है, शरीर आग्नेय और द्विपार्श्वीय प्रोटोस्टोमी प्रकार के जंतु होते हैं। अब इसमें प्रमुख लक्षण कौन कौन से होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, उनमें खास बात होती है अधिकांशतया, पहला लक्षण अधिकांशतया परजीवी पृष्ठ अधर सतह से चपटे होते हैं, जिस तरीके से ये है तो ये पृष्ठ सतह हो गई, ये नीचे वाली अधर सतह हो गई, तो पृष्ठ अधर सतह से चपटे होते हैं। दूसरी बात हो गई पार्श्व सममित द्विपार्श्व सममित, शरीर में वास्तविक विखंडन नहीं होता, ऊपर से देखने में लगता है कि शरीर खंड युक्त है लेकिन ऐसा नहीं है, वो वास्तविक विखंडन नहीं होता है और शरीर द्विपार्श्व पृष्ठ और अधर सतह से चपटे होते हैं। तीसरा है संपूर्ण शरीर मजबूत लचीली क्यूटिकल द्वारा ढका होता है या कवर्ड होता है। चौथी बात है अंतरांगों के बीच खाली स्थान में ढीला संयोजी ऊतक भरा रहता है जिससे शरीर लगभग ठोस होता है और यही कारण है कि गुहा नहीं होती। अगला है पांचवा, पोषण शरीर से चिपकने के लिए इनमें चूसक पाए जाते हैं जो स्क्लीरो प्रोटीन के बने होते हैं, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है उससे चूसक या कंटक बने होते हैं जो पोषण के शरीर से चिपकने में सहायक होते हैं। छठा है बाह्य तथा अंतःकंकाल, ना तो बाह्य कंकाल होता है ना अंतःकंकाल, ना श्वसन ना परमेय आदि तंत्रों का अभाव होता है। और सातवां है उत्सर्जन विशेष प्रकार की ज्वाला कोशिकाओं द्वारा होता है, तो इनमें जो उत्सर्जन है वो एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं, उनके द्वारा होता है। और अगला पॉइंट है नवा, निषेचन आंतरिक होता है यानी शरीर के अंदर होता है। और लास्ट पॉइंट है टेंथ, ये जंतु उभयलिंगी होते हैं अर्थात एक ही जीव शरीर में नर और मादा दोनों प्रकार के प्राणी दोनों प्रकार के अंग होते हैं अर्थात उभयलिंगी होते हैं, तो नर और मादा जो जननांग हैं वो एक ही प्राणी में होते हैं, ऐसी प्रक्रिया को उभयलिंगी कहते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष नेक्स्ट टर्न पर, धन्यवाद।